सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। तीज के दिन हमारे देश में पत्नियां पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखकर शिव पार्वती से कामना करती हैं, लेकिन अमेठी में कुछ ऐसा ही हुआ जिस पर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या कुछ हुआ इस मामले में, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमेठी में हत्या, सुल्तानपुर में सरेंडर। पति ने दिया खौफनाक वारदात को अंजाम। तीज के दिन पत्नी को उतारा मौत के घाट। पारिवारिक कलह बनी हत्या की वजह। हरितालिका तीज के दिन पत्नियां पति और अपने परिवार के लिए शिव पार्वती से कामना करती हैं कि हमारा परिवार और पति दोनों सलामत रहें। अमेठी में जोगराजी नाम की महिला ने भी अपने परिवार के लिए तीज का व्रत रखते हुए पति की सलामती की दुआ मांगी, लेकिन जोगराजी को क्या पता था कि जिस पति के लिए वो दुआ मांग रही है वही पति उनकी जिंदगी को छीन लेगा। देर रात इस कलयुगी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद शख्स ने खुद ही अपनी बेटियों को फोन कर इत्तला किया। अमेठी में इस शख्स ने पत्नी की हत्या की और खुद ही सुल्तानपुर में पुलिस थाने जाकर सरेंडर कर दिया। एक तरफ जहां पर पूरे प्रदेश में तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो वहीं एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामला बाजार शुक्ल में सत्थिन गांव का बताया जा रहा है। यहां के रहने वाले जगदीश यादव पारिवारिक कलह से जूझ रहे थे। पारिवारिक कलह से परेशान होने की वजह से जगदीश ने तकरीबन रात के 8 बजे पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी जगदीश पत्नी से वाद विवाद करते हुए खेत की तरफ चले गए थे। उसी जगह पर जगदीश और उनकी पत्नी योगराजी के बीच बहस हुई और कलयुगी पति ने पत्नी का खून कर दिया। इसके बाद आरोपी जगदीश ने खुद ही बेटी मधु को फोन कर कहा कि तुम्हारी माँ की किसी ने गर्दन काट दी है। इतना सुनते ही बेटी मधु रोने लगी तो आरोपी पिता ने कहा कि ये बात सच है और तुम अपने मामा को फोन करके बुला लो। जिसके बाद बेटी मधु ने घबराते हुए अपने चाचा को फोन कर इस वारदात की खबर दी। मधु के चाचा ने जब आरोपी जगदीश को फोन किया तो यही बात एक बार फिर से दोहराई गई। इस बात को दोहराते हुए आरोपी वहां से फरार हो गया। वो पापा मेरे पास कॉल किए थे और बोले कि तुम्हारी मम्मी की कोई गर्दन काट गया है। रात में कुछ नहीं, हम लोग रोने लगे थे। सर फिर से पापा कॉल किए और बोले कि सच में हम कह रहे झूठ नहीं कह रहे, अपने मामा लोग को बुला लो। और हमारे चाचा जी, जो अपने चाचा जी को मैंने बताया तो उन्होंने कॉल किया तो वो कह रहे थे नहीं मैं सच में कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। सर हम लोग चाहते हैं कि इसमें मजबूरी पहुँचे। मृतका की बेटी मधु ने बताया कि उसे कुछ देर बाद पता चला कि उसके पिता ने खुद ही सुल्तानपुर में पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद मधु के घर पर पुलिस के साथ साथ गांव वालों का भी जमावड़ा लग गया। मौके पर एसपी इलामरन और सीओ मुसाफिर खाना अर्पित कपूर पहुंचे। वहीं एसपी ने बताया कि जैसे ही पुलिस को इस वारदात की खबर हुई तो शव को कब्जे में ले लिया गया और आरोपी जगदीश को मौके पर लाने के लिए पुलिस टीम को रवाना किया गया। देखिए, आज 30 तारीख थाना बाजार शुक्ल क्षेत्र में सत्यम चौकी के अंदर एक महिला का ने पति ने मार दिया था। इसके बारे में पुलिस को सूचना तुरंत मिल गई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के बॉडी को बरामद किया। अभी पंचनामा बनकर इसके पीएम के लिए आगे भेजा जा रहा है। ये पति ने अभी पुलिस का हिरासत में, जिनको पूछताछ हो रहा है, परिवार से एप्लीकेशन प्राप्त करके एफआईआर दर्ज कराकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एसपी ने कहा कि परिजनों की तरफ से अगर तहरीर दी जाती है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
फिलहाल इस कड़ी में बस इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही प्रदेश की अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।